नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मंच से यहां पर आए हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है, आइए इनसे ही जानते हैं। जी सर, बताइए कि किस वजह से आज आप यहां पर आए हैं? हम ज्ञापन देकर के आए हैं जी, डीसी साहब को आज। जी सर, किसके रिगार्डिंग, क्या किस मांग को लेकर आपने जो है आज ज्ञापन सौंपने का काम किया है? बेटी यशोधरा, ये फोगाट परिवार या अरिता गांव की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है जी। और इसके लिए जो मांग कर रही है अपने बेटी यशोधरा, सीबीआई जांच की मांग जी, तो उसको लेकर के हम ज्ञापन दे गए हैं डीसी साहब को। तो सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे आज आपने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और लगातार जो है परिवार वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होना चाहिए। अभी अगर हम लोग बात करें, 10 से 15 दिन का वक्त हो चला है सोनाली फोगाट की मृत्यु को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही, और इस बात में दोहराने की बहुत सारी खापे भी निकल कर सामने आई सोनाली फोगाट का साथ देने के लिए कि सोनाली फोगाट को न्याय मिले। आपको क्या लगता है किस बात को लेकर देरी की जा रही है इस मामले में? इस मामले में जी, हमने वो पहले वहाँ लघु सचिवालय पर भी अपील की थी कि खाप और पंचायत भी इस मामले में दबाव डाले जी, और अपने जो सीएम साहब है वो भी गोवा सरकार पर दबाव डाले सीएम प्रमोद सावंत से, इस जितना जल्दी हो सके वो बात कर गए, और जितना जल्दी हो सके गोवा सरकार ट्रांसफर वो रेफर करे सीबीआई को। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और आज आप जो है सोनाली फोगाट को न्याय दिलवाने के लिए बेटी यशोधरा से भी आप मिले हैं, परिवारजनों से भी आप मिले हैं, बार बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात अटकी हुई है, आपका क्या मानना है कि कब जाकर जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी? सीबीआई जाँच होनी चाहिए जी। जी, सीबीआई जाँच बिना कोई मतलब फायदे को नहीं। हाँ जी, इसलिए सीबीआई जाँच जरूरी है जी। बस तो आप इतना ही कहना चाहेंगे। सर, डीसी से आप मिले हैं और उनके नाम आपने ज्ञापन भी दिया है, तो उनको उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया, क्या कहा आप लोगों? सरकार को भेज देंगे, सरकार तक पहुंचा देंगे आप जी, सरकार तक भेज देंगे जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, कुछ और बोलना चाहेंगे आप? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मंच के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि सुबह जो है ये डीसी से जाकर मिले हैं, हिसार के डीसी से इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, और साथ में डिमांड भी की है कि सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो बेटी यशोधरा वो सोनाली फोगाट की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी है, कुछ इस तरह का बयान इन्होंने दिया है, और साथ में यही कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि परिवार के लोग भी संतुष्ट हो, और जो बेटी यशोधरा चाहती है, बार बार डिमांड कर रही है हरियाणा सरकार से भी, गोवा सरकार से भी, कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मामले में होनी चाहिए, और इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। लगातार बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार।